चश्मे बदूर की पटाखा हसीना तापसी पानू पर फिल्म में तो दो कमीने और एक सीधा लड़का लाइन मार रहा है, लेकिन रियल लाइफ में रूमर्स हैं कि उनका कनेक्शन फिल्म के डायरेक्टर डेविड धवन के बेटे वरुण धवन से जुड़ गया है। जी हाँ, तापसी और वरुण के लिंकअप की खबरें कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर्स में आई थी, और जब तापसी अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंची जूम के ऑफिस तो हमने उनसे जानने की कोशिश की कि क्या है वरुण के साथ उनका कनेक्शन। वरुण से आई हैव मेट बिफोर, सेट पे मिली थी एक बारी, एंड उसके बाद बस आई वॉज वॉकिंग आउट ऑफ द लॉबी मैरियट से फ्रॉम माई रूम एंड ही वॉज एंटरिंग द लॉबी, सो वहाँ पे वी जस्ट मेट एंड वी वर लाइक ओ हाय व्हाट्स अप एंड हाउ यू जस्ट सिट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स एंड चैट, बस और उसी में फोटोग्राफ्स भी सब हो गए। मैंने कहा ओके, सो आई हैव एंटर्ड दी बॉलीवुड, वो वाली फील आ गई थी मुझे, मैंने कहा यार गलती है, कॉफी पी ली यार बस। तापसी, वेलकम टू बॉलीवुड, यहाँ स्टार्स की फिल्म्स बाद में आती हैं, लिंकअप्स की खबरें पहले मीडिया में आ जाती हैं, लेकिन हमारा विश्वास मानिए, ये खबरें मीडिया से ज्यादा खुद फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए उड़ाते हैं, और स्टार्स भी जब तक फिल्म रिलीज ना हो जाए इस पर गोल गोल बातें करते रहते हैं। वैसे तापसी जूम के ऑफिस पहुंची थी अपनी फिल्म को प्रमोट करने, तो उन्होंने अपनी फिल्म के बारे में भी की ढेर सारी बातें। तापसी हमारे स्टूडियो में है, जूम के स्टूडियो में, और चश्मे बदूर प्रमोट करने आई है, तो तापसी फर्स्ट ऑफ ऑल गियर अप फॉर चश्मे बदूर रिलीज। ऑल गियर अप, और मेरी पहली हिंदी मूवी है तो अब पता नहीं कि एक्साइटमेंट ज़्यादा होनी चाहिए कि नर्वसनेस ज़्यादा होनी चाहिए। अभी तक जितने भी ट्रेलर्स आए हैं और जो भी हमने देखे हैं, यू नो गाने देखे हैं, जो फर्स्ट लुक आया था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, और जो कॉमेडी जो पूरी दिखाई दे रही है ट्रेलर्स में, तो उतना ही उसे 10 गुना और होने वाला है बड़े बिग स्क्रीन पे कि क्या होगा। एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब ट्रेलर आया था वो देख कर, मैंने पूरी पिक्चर देखी ही है ऑलमोस्ट डबिंग करते टाइम, तो जिस टाइम पहला ट्रेलर आया था वो देख के ना मेरे को लगा था सर यार ये ट्रेलर इससे तो बहुत अच्छा हो सकता था, इससे काफ़ी अच्छी चीज़ें करी है हमने पिक्चर में, दे लाइक नहीं नहीं एकदम सही है, बट नाउ एक्चुअली दिस इज़ परफेक्टली फाइन फॉर द मोमेंट, बिकॉज व्हेन ऑडियंस कम्स विद सर्टेन एक्सपेक्टेशन एंड दे गेट मोर, सो इट्स ऑब्वियसली गुड। आपने साउथ में काम कर रखा है, बट जब हिंदी सिनेमा में काम करने का मौका मिला, कितना डिफरेंट होता है यू नो वर्किंग स्टाइल या प्रोफेशनलिज्म, कितना अलग हो जाता है? वर्किंग स्टाइल प्रोफेशनलिज्म मोर ऑर लेस सेम रहता है, जो चीज़ एक बदलती है वो होती है लैंग्वेज, और कुछ नहीं बदलता, वैसे का वैसा रहता है। मेरे को इनफैक्ट यहाँ पर जब मैंने कृष्ण बुद्धुर के लिए काम करना शुरू किया था तो एक स्टार ट्रीटमेंट मिला था मुझे उस टाइम पे भी, तो ऑल थैंक्स टू माई प्रोडक्शन हाउस एंड माई डायरेक्टर इज वेल को स्टार, एवरी वन ट्रीटेड मी लाइक वन स्टार ऑलरेडी। व्हेन यू गॉट द ऑफर डेविड धवन फिल्म आपका, मतलब व्हाट इज योर रिएक्शन? टू गुड टू बिलीव एक्चुअली, मैंने इतनी जल्दी, मेरे साउथ की और भी काफ़ी को एक्ट्रेसेस हैं रह चुकी हैं जिनको 4-5 साल काम करने के बाद मौका मिलता है, मेरे को विद इन 1-1.5 ईयर ऑफर आ गया था, तो मेरे लिए तो टू गुड टू बिलीव था। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।